वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल रमा जोशी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूँ रमा जोशी, ज्योतिष, रेकी, हीलिंग, वास्तु, अंक शास्त्र, आपके ऑरे से संबंधित जानकारी अगर आप बहुत की सरल भाषा में लेना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइबर है तो बेल आइकन जरूर दबाइए, बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है, जल्दी से लाइक कीजिए। आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं इतना बोलने के बाद भी, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स चाहिए। देखिए अभी आज जो मैंने टॉपिक लिया बहुत ज़्यादा बढ़िया है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि रेकी हीलिंग के बारे में जितना लोगों को बताओ उसके बाद भी लोगों के मन में डाउट्स रहते हैं। लोग पूछते रहते हैं कि ये रेकी हीलिंग में ये चीज़ कैसे होगी, कब होगी, ये इलाज कैसे होगा। देखिए रेकी हीलिंग जब भी मैं करती हूँ किसी की तो कम से कम एक महीना करती हूँ, इससे कम नहीं करती। क्यों? लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि आप एक ही महीने की क्यों करते लेते हैं, आप कुछ दिन की कर दीजिए, क्योंकि कई चीज़ों तो पहले भी ठीक हो जाएंगी। लेकिन अगर कोई भी चीज़ ऐसी है जो कि हमें परेशान कर रही है जीवन में, देखिए कोई बड़ी चीज़ के लिए लोग आते हैं ज़्यादातर रेकी हीलिंग के लिए। डिप्रेशन है या फिर उनको बैक पेन हो गई है जो बहुत समय से चली आ रही है और उसको ठीक नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कोई इनको ऐसी बीमारी हो गई उनको लग रहा है कि वो लाइलाज है, बहुत सारी इमोशनल चीज़ें हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी को कोई नॉर्मल लग रहा है कि आज मुझे वायरल है और वो रेकी हीलिंग करा लेगा, ऐसा नहीं होता है। इन चीज़ों के लिए लोग नॉर्मली नहीं आते, लोग आते हैं जब वो सारी चीज़ें ट्राई कर चुके होते हैं, परेशान हो चुके होते हैं, फिर वो आते हैं कि अब हमारे पास कोई भी चारा नहीं है, चलो अब रेकी करवा लेते हैं, रेकी तो काम करेगी करेगी। और रेकी हीलिंग काम करती है, सारी चीज़ों से हार के आप रेकी हीलिंग के पास आते हैं, सब कुछ आप करवा चुके होते हैं, कर चुके होते हैं, फिर आप आते हैं कि चलो अब लास्ट ट्राई ये भी कर लिया जाए। ठीक है ना, तो इसका क्या मतलब है कि नेगेटिविटी ऑलरेडी बहुत होती है। अगर आप नहीं भी ट्राई करें, कभी कभी क्या होता है लोग अपना सिर्फ ऑरा क्लीन करवाने के लिए भी कर सकते हैं। तो देखिए ना, हमारे चक्रों में तो कब से जन्मों जन्मांतर से नकारात्मकता भर रही है, वो सारी की सारी नकारात्मकता हम साथ लेके घूम रहे हैं। अगर उसको निकालना है तो कम से कम चाहिए ना 30 दिन, तो महीना भर हो हमारी क्लीनिंग, तभी तो धीरे धीरे। देखिए 21 दिन तो वैसे ही आपकी क्लीनिंग होएगी, चाहिए 21 दिन क्लीनिंग के लिए, उसके बाद आपकी बैलेंसिंग सारी चीज़ें होंगी। तो रेकी हीलिंग का जब भी आप लेते हैं, क्योंकि वो चीज़ें जो भी आपको दिक्कत दे रही है वो एक दिन की चीज़ नहीं है, क्योंकि बीमारी आपके मन से जुड़ी है, आपके दिमाग से जुड़ी है, आपकी सोच से जुड़ी है, बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर आ रही हैं, फिर आती है वो आपके शरीर में। बीमारी तो आने को तैयार ही नहीं होती, ये तो आप सोच सोच के उसको लेकर के आते हैं। वो जो आपने अंदर तक भरा होता है ना, उसको निकालना बहुत ज़रूरी होता है, एक महीना तो चाहिए ही चाहिए मिनिमम। ठीक है ना, तो वो बहुत ज़रूरी होती है। जब आपकी हीलिंग होगी तो कहीं ना कहीं वो जो चीज़ है वो अंदर से निकल के बाहर आएगी, क्योंकि कोई भी बीमारी अपने आप में बीमारी नहीं होती, कोई बात होती है हमारे मन में बैठी हुई, कोई दुख होता है, कोई समस्या होती है हमारे अंदर की, कोई कुंठा होती है, उसको हमें निकालना होता है, इसीलिए टाइम लगता है। फिर देखिए बहुत सारी चीज़ें लोग रेकी के बारे में पूछते हैं कि हम भाई किस बीमारी के लिए कितना टाइम लगता है। देखिए सीधी सी एक बात है, अगर आपको इमोशनल प्रॉब्लम है तो मिनिमम 3 मंथ चाहिए, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि बड़ी है, बड़ी बीमारी है, तो 3 महीने तो चाहिए ही चाहिए। अगर आप नहीं कराएंगे तो फिर आप सोचिए कि पूरी तरीके से आप उसको नहीं ठीक कर पाएंगे। जैसे आप लोग एंटीबायोटिक लेते ना, 3 दिन खानी है, 5 दिन खानी है, वैसे ही निकले तो सही, कम से कम वो नेगेटिविटी अच्छे से आपके अंदर से, ताकि वो वापस नहीं आपके वो परेशान कर सके, कहीं ना कहीं उसकी जो जगह है वहाँ से निकल जाए। देखिए रेकी हीलिंग का इलाज अपने आप में एक अलग ही इलाज है। अब आप क्या है, एकदम रिलैक्स हो जाएंगे, खुश रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, नींद आपको अच्छी आएगी, आपके रिश्ते सुधरेंगे, आपका जीवन सुधरेगा, बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में इकट्ठे होने वाली होती हैं, वो भी दूर से आपकी हीलिंग हो जाती है। ना दवाई लेनी है आपने, ना आपने कुछ करना, खुद सीख लीजिए रेकी हीलिंग, बहुत ज़्यादा बढ़िया। देखिए आप ये जो दवाइयाँ ले रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, भाग रहे हैं, वहाँ इनसे मुक्ति मिलेगी आपको, आपकी लाइफ की खुद ही डायरेक्शंस मिलेगी। लेकिन आप ये नहीं सोचिए कि आप एक दिन हीलिंग कराएं, 4 दिन हीलिंग कराएं और बस जीवन में आप उस बीमारी से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएं। देखिए ये चीज़ें हम अपने अंदर बोझ बना लेते हैं, ये जो हमारी सोच होती है ना, इसमें हम कोई छोटी छोटी सी बात लेके बैठ जाते हैं, फिर उसको हम अपनी कोई भी खराब सोच को, अपने कोई भी दुख को, अपने तकलीफ को हम खूब पालते हैं, बड़ा करते हैं, उसको बुरा करते हैं, अपने अंदर उसको रखे रहते हैं, वो सोच खत्म भी हो जाए उसके बाद भी हम उसकी कब्र भी ये कह लीजिए बना के रखते हैं, इतना ज़्यादा हम अपने अंदर नेगेटिविटी भर के रखते हैं।
तो हमें निकालनी पड़ती, हम खुद ही अपने अंदर इतनी सारी चीजें भर लेते हैं, तभी तो समस्या आती है। अगर हम खुद की अपने आप को रिलैक्स रखें, चीजों से बाहर ले आए, तो फिर समस्या नहीं। रेकी हीलिंग हमें अंदर तक, हमारी सोच के अंदर बैठी हुई कुंठाएं, परेशानियां, दुख, जो भी चीजें हम एडजस्ट नहीं कर पा रहे, उनको बाहर लेकर के आती है। देखिए उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, एक दिन आप ये सोचें कि बस एक दिन में सब कुछ हो जाएगा, नहीं होगा। खुद को भी टाइम दीजिए, अपने आप को टाइम दीजिए, आप देते नहीं हैं, भाग दौड़ में लगे रहते हैं, यहाँ वहाँ सारा दिन सबकी बातें सुनते रहते हैं। खुद को टाइम दीजिए, अपने आप के साथ समय बिताइए और अपने शरीर को भी टाइम दीजिए। देखिए रेकी हीलिंग बहुत बढ़िया इलाज है, हर एक को सीखनी चाहिए रेकी हीलिंग, बिल्कुल सीखनी चाहिए। अगर आप अभी नहीं सीख सकते, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो अपनी रेकी हीलिंग करवाइए, बहुत बढ़िया, हर चीज में बेस्ट है, मुझे तो यही लगता है। क्योंकि जब से मैंने रेकी हीलिंग करी, मैंने तो ये देखा है कि जीवन में चीजें बिल्कुल ही बदल गई, बिल्कुल सारी चीजें बिल्कुल अपोजिट हो गई, जो कि नेगेटिव थी वो पॉजिटिव हो गई। तो चीजों को बदलना सीखिए, जीवन को बदलना सीखिए, अपने दृष्टिकोण को बदलना सीखिए। आज के लिए इतना ही, बहुत सारी ऐसी ही बातें मैं आपके लिए लेकर के आती रहूंगी, तब तक आप अपना सम्मान कीजिए, अपनों का सम्मान कीजिए। मैं रमा जोशी, नमस्कार।